हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टेक्निकल निखिल। तो दोस्तों, एचडीएफसी नेट बैंकिंग यूज करके आप घर बैठे एचडीएफसी का चेकबुक कैसे बुलाएंगे, तो वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में एचडीएफसी का नेट बैंकिंग होना काफी जरूरी है। अगर आपके पास में एचडीएफसी का नेट बैंकिंग सर्विस नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक में जाके आप एचडीएफसी नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी नेट बैंकिंग यूज करने के लिए आप गूगल प्ले में जाके एचडीएफसी का नेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट मतलब वेबसाइट में जाके हम डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे वो आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होना जरूरी है, जो सबके मोबाइल में रहता है। मोबाइल से गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, देन यहाँ से आप डालेंगे एचडीएफसी नेट बैंकिंग। डालने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू एचडीएफसी नेट बैंकिंग। देन यहाँ से होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है जो आपको मिलता है बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, आपको जो कस्टमर आईडी मिला होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल देता हूँ, देन कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको पासवर्ड मांगेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है। पासवर्ड देने के बाद में एक इमेज एक्सेस मांगता है लॉगिन के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए रहता है। तो हमेशा आपको यहाँ पे क्लिक करके ही लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद में लॉगिन कीजिए, तीन आप नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट, फंड ट्रांसफर, बिल पे, रिचार्ज, कार्ड्स, काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। लोन्स ऑफर्स, देन आपको यहाँ पे दिखता है, आप देख सकते हैं अकाउंट सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रही होंगी चेकबुक, आपको सिंपली चेकबुक पे क्लिक कर लेना है। चेकबुक पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आया है, ये आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेना है आपके बैंक का। तो यहाँ से आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देन यहाँ से कंटिन्यू करिए, देन यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने से पहले आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग और सैलरी अकाउंट के लिए 325 चेक्स पर ईयर, मतलब हर ईयर 25 चेक आपको फ्री मिलेंगे। और उसके बाद में एडिशनली जो आप चेक लेंगे तो उस पर आपको 25 चेक पे 75 रुपीज प्लस टैक्सेस आपको इस पे लगेगा। तो ये बात आप जान लीजिए। देन दोस्तों, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप देख सकते हैं प्लीज वेरीफाई एंड कंफर्म रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। तो ये दोस्तों विद इन 3 working days में आपके पास में पहुंच जाएगा आपके लोकेशन में, मतलब वर्किंग डेज में। इसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होगा। अगर आप मंडे सोमवार के दिन में अगर आप प्रोसेस प्लेस करते हैं तो सोमवार से 3 दिन पकड़ लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे को आपके पास में आ जाएगा, मतलब आना चाहिए एज पर बैंक पॉलिसी। देन यहाँ पे आपके डिटेल आपको दिख जाएंगे, आप डिटेल मैच कर लीजिए। यहाँ पे आपको नीचे आप देख सकते हैं एड्रेस कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कीजिए। एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक कंप्लीट, मतलब आपका आपने जो एप्लीकेशन करा है वो रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, एचडीएफसी बैंक वाले के पास में चली गई। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिला है, वो आप नोट करके रख लीजिए। तो दोस्तों, 3 दिन में आपके पास में चेकबुक आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप मैंने जो आपको बातें बताने की कोशिश करी है आप वो समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन कमेंट होगा क्वेश्चन कमेंट करिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।